डब्ल्यूबी न्यूज हेडलाइंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायत इलेक्शन काफी करीब आ रहा है, तो इसके लिए सभी पंचायतों में जो है पंचायत इलेक्शन की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कई कई जो अपने जीपी के जो भी वार्ड के जो भी लोग हैं अपने वार्ड में काम कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। खासतौर पर वो जो है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वोटर आईडी नए नए बना रहे हैं, नाम खराब है तो वो ठीक करवा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम वोटर आईडी के कर रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में यही बात करते हैं कि वोटर आईडी बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन तो अप्लाई हो जाते हैं लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। हालांकि उस पर सही बिल्कुल डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है, बहुत सारे रेफरेंस आईडी है वो भी ट्रैक नहीं हो पाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वोटर आईडी अप्लाई करना चाहिए, वोटर आईडी अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है ऑनलाइन के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में बहुत सारे लोग अपने वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के द्वारा जो है काफ़ी सारे वोटर आईडीज अप्लाई कर रहे हैं और भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, जैसा कि नाम करप्शन हो गया, एक जगह से विधानसभा दूसरी जगह का शिफ्टिंग करना हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे वोटर हेल्पलाइन से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए खास तौर पे हम लोग वोटर हेल्पलाइन का सहायता लेते हैं। जैसे कि अभी हमें कोई नया वोटर आईडी बनवाना है तो सभी को पता है कि किस तरीके से वोटर आईडी बनाना है। सिक्स जो फॉरम सिक्स है नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको भरते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स देते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट है अगर आधार कार्ड है तो ज़्यादा बेहतर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इसके अलावा और भी जो मार्कशीट वगैरह है माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है, ये सब इन सब चीज़ों के द्वारा बहुत ही आसानी से वोटर आईडी बन जाता है। इन सब चीज़ों से बहुत ही आसानी तरीके से जो है वोटर आईडी बन जाता है, लेकिन इसके लिए हमें वोटर आईडी अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम लोग एक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जिसको आप कहते हैं वोटर हेल्पलाइन। इस वोटर हेल्पलाइन के थ्रू हम ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन हमारे घर में बीएलओ आता है, उसके बाद फील्ड वर हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, उसके बाद चेक लिस्ट में साइन करके बीएलओ फील्ड वेरीफाई के लिए जमा कर देते हैं। फील्ड वेरीफाई होते ही होने के टाइम पे आगे का प्रोसेस जो रहता है वो रहता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्टेड। तो बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में पता चला है कि इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत बड़ा है। इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि वोटर आईडी अप्लाई करते समय ऐसे टाइम अप्लाई करें जब आप फ्री हों और वोटर आईडी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हैं, जमा किए हैं, अपने पास रखे हैं, उस आईडी को उसी टाइम पे उसी दिन जमा कराना है। क्योंकि वोटर हेल्पलाइन के द्वारा अगर हम वोटर आईडी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा रेफरेंस नंबर होता है, उस रेफरेंस नंबर के थ्रू हम अपने ब्लॉक में जाकर और अपने सभी डॉक्यूमेंट को जाकर 24 घंटे के पहले अगर जमा करा देते हैं तो 100% चांसेस होते हैं कि वो वोटर आईडी जो है कंप्लीट बन जाएगा, ईपिक जनरेट हो सकता है। अगर आप बात करते हैं कि रिजेक्ट क्यों होता है, तो रिजेक्ट इसलिए होता है दोस्तों, हम लोग वोटर हेल्पलाइन से अप्लाई कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अप्लाई उसमें अपलोड कर देते हैं, फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। इसकी मेन वजह यही है कि हम बीओलो के वेट करते हैं, बीओलो हमारे घर पे आता है, फिर हमारे से एक दो दिन बाद डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, ले जाने के बाद वो चेक करता है, चेक करने के बाद उसके बाद वो फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स और भी जिसके काम होते हैं वो सब पूरा करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो फील्ड वेरीफिकेशन के लिए भेजते हैं। फील्ड वेरीफाई होने में टाइम लगता है, इसके अलावा वो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट तक पहुंचता है, वहां पर जाके ये रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए कि तब तक कि उसका जो पीरियड है, उसका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। अक्सर केसेस देखने को यही मिलते हैं, अगर हम बीएलओ के वेट करते हैं तो इससे हमारा बहुत नुकसान हो सकता है, अक्सर बात यही सामने आती है, देखने को मिलता है, लेकिन हमें 24 घंटे के पहले ही इसको जमा कराना है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर कोई पहले से ही वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है 2022 का पहले का ही, तो उसमें आधार लिंक कराना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वोटर हेल्पलाइन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये गाइडलाइन के हिसाब से ये एक नियम है, कानून है, कि अगर जो भी आधार लिंक नहीं करता है तो उस वोटर आईडी का वैलिड बहुत कम होता है, वो वोटर आईडी बहुत ही कम जो है वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में बहुत ही कम उसका जो मान्यता है। इसलिए आधार लिंक कराना वोटर आईडी के साथ ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आधार लिंक करा लेते हैं तो आपकी वोटर आईडी और आपके आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाती है। ऐसा नहीं है कि आधार लिंक ना कराने पर वोटर आईडी डॉक्यूमेंट जो है वैलिड रहेगी या इनवैलिड रहेगी, इससे भी वैलिड रहेगी लेकिन ये कोई उतना ज़्यादा वैलिड नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वोटर हेल्पलाइन में जाकर फॉर्म 6B को भरें, इसके अलावा अपने रेफरेंस नंबर से ही उस सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है अपने नज़दीकी ब्लॉक या फिर बीएलओ को दे दें, ताकि आपका जो है आधार लिंक 6B के द्वारा आधार लिंक हो जाए। उम्मीद करता हूँ हमारी ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।